हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में धनिया पाउडर कैसे बनाएं। ये धनिया है जो कि बाजार से हम ले आए हैं, और ये धनिया लगभग 1 किलो है, और इसे मैंने धूप में 2 दिन के लिए सुखा दिया था। सुखाने का तरीका ये है कि आप इसे धूप में सुबह रखें और शाम को 3-4 बजे के लगभग फिर उतार लें। अगले दिन फिर वैसा ही करना है, धूप में रखे और फिर ले आए। जब धनिया अच्छे से सूख जाए, सूखने का ये है कि इसमें से आवाज आने लग जाती है। देखेंगे, उठा के गिराएंगे ना, तो इसमें से खनक की आवाज आने लगती है, तो समझिए कि आपका ये धनिया सूख चुका है। धनिया का पाउडर बनाने से पहले हमें एक बार इसे अच्छे से साफ कर लेना है कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। इसे अच्छे से साफ कर लेना है, फिर उसके बाद हम इसे पीस के दिखाएंगे आपको। दोस्तों, आप जब भी बाजार से धनिया खरीदें, आप उसको मतलब देखना है, दो तरह के धनिया मिलते हैं। एक बहुत पुराना धनिया होता है और एकदम फ्रेश, एक एक फ्रेश होता है। पुराने धनिया में ये होता है कि हल्का सा ब्राउनिश टाइप में होता है, और जो फ्रेश होता है उसका कलर हल्का सा गेहूं कलर का होता है। तो आप जब भी खरीदें, फ्रेश धनिया ही खरीदें। तो आइए हम इसे अब आपको मिक्सचर में पीस के दिखाते हैं। ये मैं सारा धनिया नहीं पीसूंगी, इसमें से मुझे जितना चाहिए उतना ही निकाल के पीसूंगी। बाकी धनिया मैं वैसे ही बांध के पन्ने में रख दूंगी। और जब भी हमें पीसना हो धनिया, उसको एक बार धूप आप जरूर दिखाइए। मैं इतना धनिया का पाउडर बनाऊंगी। अब इसे हम जार में डाल लेंगे, और इसे इतना ही डालना है कि जितने ये पीस सके। थोड़ा सा इसको खाली रहना चाहिए, और इसका बारीक एकदम पाउडर नहीं बनाना है हमें, हल्का सा इसका खुरदरा वाला पाउडर बनाना है। ये देखिए, मैंने धनिया पाउडर बना लिया है, और ये ऐसा ही दरदरा पीसना है। आप चाहे तो इसे और बारीक कर सकते हैं। बारीक करने का ये है कि आप इसे छान लीजिए, जिससे एकदम बारीक मैदे की तरह आ जाएगा, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको ऐसे दरदरा ही पीसना चाहिए। ये पाउडर की खासियत ये है कि घर के बनाए हुए धनिया पाउडर में खुशबू बहुत अच्छी आती है, और हम बाहर के बाजार वाले धनिया पाउडर की मिलावट से दूर रहते हैं। और यकीन मानिए, ये धनिया पाउडर बहुत ही बाजार के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ता है घर में बनाया हुआ। एक बार आप इस तरीके से धनिया पाउडर घर में जरूर बना के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।